उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस प्रशासन लॉकडाउन को लेकर और सख्त हो गया है। आपको बता दें कि काली नदी रोड पर ट्रैफिक इंचार्ज शौर्य कुमार व कुलबीर सिंह राणा के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस कर्मियों ने अभियान के माध्यम से सोशल डिस्टेंस की भी अपील की। जानकारी देते हुए बुलंदशहर ट्रैफिक इंचार्ज शौर्य कुमार ने बताया कि एक घंटे में चलाए गए इस चेकिंग अभियान में करीब 50 वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की गई। अनावश्यक रूप से घूम रहे दो ई रिक्शा की भी सीज किया गया। वहीं दूसरी तरफ वाहनों की चेकिंग कर रहे नव नियुक्त ट्रैफिक इंचार्ज कुलबीर सिंह राणा ने बताया कि उनके द्वारा वाहन चालकों पर कार्यवाही की जा चुकी है और साथ ही लोगों से लगातार सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की भी अपील की जा रही है। उन्होंने बताया कि दो पहिया वाहन चालक से मोटरसाइकिल पर केवल एक व्यक्ति व चार पहिया वाहन में केवल दो व्यक्तियों के उपस्थित होने के संबंध में जानकारी लोगों को दी गई है। साथ ही कहा गया है कि जो लोग पास लेकर घर से बाहर आ रहे हैं या किसी मजबूरी के चलते अपने घर से निकले हैं, केवल ऐसे ही लोगों को जाने की अनुमति दी जा रही है। बुलंदशहर से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सर, आज नगर में चेकिंग अभियान चलाया गया, सर कितने वाहनों को अभी तक कार्रवाई की गई है? करीब 50 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें से कुछ सीज किए गए हैं और आज विशेष रूप से ई रिक्शा के भी जो ई रिक्शा वाले सामान के नाम पर, सामान ढोने के नाम पर और बाद में सामान छोड़कर उसके बाद सवारी ढोने का प्रयास कर रहे थे, उन सबको बंद किया गया, सीज किया गया। सर कितने बजे से चेकिंग अभियान चलाया गया था? हमने 8 बजे से अभियान चलाया हुआ है, अभी तक चल रहा है और अभी 12 बजे कम से कम चलेगा और सभी को बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करें। और फोर व्हीलर गाड़ी है तो केवल 2 सवारी चलेंगे और अगर 2 पहिया वाहन है उस पर सिंगल सवारी को ही लेकर जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो महामारी है उससे दूर रह सकें और अपने आप को भी स्वस्थ रखें और दूसरे को भी स्वस्थ रहने में सहयोग प्रदान करें। सर, आज नगर में एक चेकिंग अभियान आपके द्वारा ये चलाया गया है, सर क्या इसका मुख्य उद्देश्य रहा है? यही है कि जो ये कोरोना चल रहा है और संक्रमण की वजह से ये किया जा रहा है और उच्च अधिकारियों के सख्त निर्देश हैं, जो भी मोटरसाइकिल पर है इससे ज़्यादा न चले और जो 4 पहिए वाहन हैं उन पर 2 आदमी से ज़्यादा ना हो, वे भी वही निकलेंगे जिनके पास पास होगा या बहुत ज़्यादा सीरियस केस होगा, हारी बीमारी वाले होंगे तो वे जाएंगे, बाकी और ये जो ई रिक्शा वगैरह हैं और ये सवारी घूमती है सुबह ये कोई नहीं और हम लोग ने बिल्कुल सख्ताई से आप देख रहे होंगे तो बिल्कुल सन्नाटा है, हम वही आदमी निकल ले जिनके पास पास। सर कितने वाहनों के विरुद्ध अभी तक कार्रवाई की जा चुकी है? 18 वाहनों के खिलाफ अभी तक भी कार्रवाई की जा चुकी है। सर क्या किसी वाहन को अभी तक सीज भी किया गया है? अभी तो चालान काटे गए, जो ऐसे आए उनके चालान काटे गए और सीज भी किए जाएंगे, सीज की कार्रवाई। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.